हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस वीडियो में आपको डी मार्ट का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्रा डे दोनों ट्रेड बताएंगे, तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि डी मार्ट में क्या चल रहा है। थोड़ा सा ग्राफ को छोटा कर लेते हैं। अब आप ये देखो, डी मार्ट तो ऑलरेडी हमेशा बुलिश था, लेकिन मेन जो बुलिश हुआ था गाइज, इस लेवल से बुलिश हुआ था। तो आप ये देखो, हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा कर दिए, ये अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई। अब आप ये देखो, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ दूर दूर तक कोई इस लेवल पे, इस साइड यहाँ दूर दूर तक सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। तो प्राइस क्या हुआ था, प्राइस अब गया नीचे, करेक्शन किया, अब गया सपोर्ट लिया, अब गया फिर सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अब चला गया, ठीक है। मतलब कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए और हायर लो बनाते हुए प्राइस अब जा रहा था। अब आप ये देखो, फिर इसके बाद एक न्यू ट्रेंड लाइन इस लेवल से ड्रा हुई, अपनी नई बन रही है। ये देखो, ये जो ये वाली ट्रेंड लाइन थी ये वाली जो थी, तो अब यहां से काम करना बंद हो जाएगी। अब ये नई ट्रेंड लाइन काम करना स्टार्ट हुई, तो ये कैसे, अब गया प्राइस इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अब गया, अब फिर यहीं से सपोर्ट ले रहा है। और अब ये भी हो सकता है कि अब प्राइस यहां से अब चला जाए, दो केस हो सकते हैं, या तो प्राइस अब चला जाए या तो प्राइस डाउन चला जाए। तो हम दोनों की बात कर लेते हैं अभी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। देखो गाइस, इसके पहले आप ये लेवल देखो, थोड़ा सा जूम कर दो, आप ये लेवल देखो, एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम में। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक अपना हिडन सपोर्ट लेवल है ये लेवल। अब देखो, यहाँ एक सपोर्ट लेवल भी है अपना, और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो अब यहाँ से प्राइस रिवर्सल होने के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, या रिवर्सल के संकेत ज्यादा है कि प्राइस अब चला जाए। हाँ, अगर प्राइस इसके नीचे गया, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, तो समझो डीमार्ट गयो, ठीक है ना, डीमार्ट गयो यहाँ से। अगर प्राइस डाउन साइड ब्रेकआउट किया तो ये अभी गॉड लेवल है, मतलब ये सब कुछ है डीमार्ट के लिए ये लेवल। अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा डाउन साइड, तो समझो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर गए, लेकिन जाएगा नहीं गाइस, यहाँ से अब चला जाने की संभावना ज़्यादा है। ये क्यों होगा मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है ना। तो ये अपने को बताना था वीकली टाइम फ्रेम में। अब हम चलते हैं डेवन टाइम फ्रेम, थोड़ा सा इन लेवलों को हटा देते हैं और हम आते हैं डेवन टाइम फ्रेम। ये है अपना डेवन टाइम फ्रेम, देखिए गाइस कितना बेहतरीन प्राइस इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके, सपोर्ट लेके प्राइस अब गया था। प्राइज ऑल टाइम हाई बनाया अप्रॉक्स 5911 का, ठीक है ना। फिर इसके बाद प्राइज जिस प्रकार से इस लेवल से अप गया था, उसी प्रकार गिरा। तो गाइज ये देखो, जब प्राइज इस प्रकार से अप जाता है और इसी प्रकार से गिरता है, तो ये एक प्रकार का करेक्शन कहलाता है। करेक्शन दो प्रकार के होते हैं, प्राइज करेक्शन और टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन को कंसोलिडेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्राइज करेक्शन हुआ, जिस प्रकार से प्राइज अप गया उसी प्रकार से प्राइज गिर गया। तो इस प्रकार के करेक्शन को अपन प्राइस करेक्शन बोला जाता है, क्लियर हुआ इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, प्राइस करेक्शन किया, अब गया, फिर प्राइस में कंटिन्यू फॉलिंग है, क्लियर हुआ इतना। अब देखो, अगर हम इन सब लेवलों को हटा देता हूँ, तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा कर देता हूँ, ये अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई, और एक और लेवल ड्रा कर देता हूँ। ये देखो गाइस, ये जो लेवल अभी ड्रा किया हूँ मैं, इस लेवल को देख के ड्रा किया, तो प्रीवियस में कितना गजब का काम कर रहा है। देखो, प्राइस इसी लेवल पे एक वीक कंसोलिडेट किया था, जो छोटी सी विंग बनी थी, छोटी सी कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में, ये वही छोटी सी कैंडल है, ये जो लेवल है वही छोटा सा कैंडल का लेवल है, ठीक है ना। कंसोलिडेट किया एक वीक, फिर प्राइस अपसाइड ब्रेकआउट दिया, तो अच्छा खासा बुलिश रैली देखने को मिली, प्राइस गिरा फिर अब चला गया। अब देखो, कंटिन्यू ये इसी लेवल का सपोर्ट ले रहा है, प्राइस गिरा अब गया फिर गिरा, कंसोलिडेट इसी लेवल पे कर रहा है। अब दो संभावनाएं हैं यहाँ, या तो प्राइज डाउन साइड गिर जाए, या तो अप साइड ये लेवल ब्रेकआउट करके अब चला जाए, क्लियर हुआ। लेकिन अब आप थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करिए। अब ये बताओ, ये लेवल है अपना कंसोलिडेशन लेवल, प्राइज गिरा सपोर्ट लिया अब गया, और यहीं अब गया रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप ये देखो, अगर ये लेवल जब ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, प्राइज को अप जाना होता तो आप यहीं से चला जाता। अगर प्राइज को अप जाना होता तो प्राइस यहीं से अब चला जाता, डाउन साइड नहीं गिरता, क्लियर हुआ इतना। लेकिन गाइज, प्राइस गिरा अब गया और गिर रहा है। देखो, प्राइस गिरा अब गया और गिरा। देखो, प्राइस अपने हाई को ब्रेकआउट नहीं किया एक बार भी, जब से यहां से प्राइस गिरा, तो दो संभावनाएं ज्यादा है, संभावनाएं ज्यादा है कि अब प्राइस यहां से रिवर्सल हो जाए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन गाइज जब तक दोनों साइड ब्रेकआउट ना दे दे, तब तक कोई भी कुछ नहीं बोल सकता कि प्राइस अप ही जाएगा या डाउन साइड गिरेगा। मैं भी नहीं जानता कि प्राइस गिरेगा या अप जाएगा, आई बात समझ में।
कोई भी नहीं जानता कि प्राइस यहाँ से अब चला जाएगा या डाउन साइड गिर जाएगा। हाँ, जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा, जैसे ही लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट हो तो समझ जाएंगे कि डाउन जाएगा, अगर ये लेवल अपसाइड ब्रेकआउट होगा तो हम ये मानेंगे कि प्राइस अप जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अदरवाइज जब तक इस लेवल के बीच पे है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन गाइज एक बात और बता देता हूँ, प्राइस कहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट हो रहा है। क्या? डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट हो रहा है। तो गाइज 70% चांस रहते हैं कि डाउन साइड ही ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन 30% प्राइस अप साइड भी ब्रेकआउट देता है। क्लियर हुआ इतना? यहाँ प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक्यूमुलेट होने के बाद जिस साइड ब्रेकआउट दे, अब ये हम नहीं अभी बता सकते, लेकिन हाँ इंट्राडे के लिए ट्रेड अभी बताएंगे, आगे बताएंगे। देखो भाई, अगर कुछ क्वांटिटी में होल्ड करना हो तो इस लेवल पे होल्ड कर सकते हैं। इस लेवल पे जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 100 क्वांटिटी होल्ड करने लायक है पैसा, तो आप 10 क्वांटिटी इस लेवल पे होल्ड करिए, बाकी क्वांटिटी इस लेवल के ऊपर होल्ड करिएगा। जब ये लेवल ब्रेकआउट दे तब इस लेवल के ऊपर होल्ड करिएगा, अदरवाइज अभी डिमांड होल्डिंग के लिए सही नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं इंट्राडे के पर्पज से, इंट्राडे के लिए बात करते हैं और इंट्राडे के लिए ट्रेड बताता हूँ। तो आप अपन आ जाते हैं एच1 टाइम फ्रेम और एच1 टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो भाई जी, अभी ये जो लेवल चल रहा है अपना, ये लेवल 15 मिनट के टाइम, अभी एच1 टाइम फ्रेम में डाउन साइड के लिए बात कर लेता हूँ, अपसाइड के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे। देखो ये जो अपना लेवल है ना, देखो प्राइस गिरा था, अप गया फिर गिरा। अगर प्राइस यहाँ से अप जाता है और ये लेवल ब्रेकआउट देता है, 4100 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट देता है, ये चौन टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, तो एक अपने को डब्लू पैटर्न मिलेगा और अपना टारगेट 4200 के लेवल तक फिर से देखने को मिलेगा डीमार्ट। अगर अपना डब्लू फेल होता है, अगर डब्लू फेल होता है, प्राइज ऐसे ना जाके फेल होके प्राइज गिरता है, तो फिर अपना टारगेट हो जाएगा एक प्राग से 3990 का, 3990 का टारगेट रहेगा। अगर 40-40 का लेवल ब्रेकआउट देगा, अगर 40-40 का लेवल ब्रेकआउट देगा तो 3990 का लेवल रहेगा अपना डाउन साइड के लिए, इंट्राडे के लिए। क्लियर हुआ इतना? अगर प्राइज एन बना के नहीं डाउन साइड आता तो प्राइज को डब्लू बनाना होगा, या डब्लू नहीं बना रहा तो इस लेवल तक जाए और फिर प्राइज गिर जाए, तो एक अपने को एच वन टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन टाइप में मिल जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अब मैं इन सब लेवलों को हटाता हूँ और डाउन साइड के लिए तो ट्रेड बता दिए कि डाउन साइड कैसे ट्रेड करेंगे, और अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 40-70 के ऊपर। हाँ गाइस, एक बात याद कर रखिएगा, 15 मिनट टाइम जब प्राइस मार्केट ओपन होता है, शुरू के 15 मिनट मत ट्रेड करिएगा। जिस प्रकार से ये कैंडल बनती है, यहाँ प्राइस अब भी जाए तो ये मत मानना कि ब्रेकआउट हुआ, या डाउन साइड आए तो ब्रेकआउट मत मानना। 15 ह्यूज गैप अप गैप डाउन के कंडीशन पे अपन ट्रेड नहीं करेंगे, जो मैं फ्लैट ओपन में बता रहा हूँ। अगर फ्लैट ओपन होता है तभी डाउन साइड के लिए देखिएगा और इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रखिएगा। क्लियर हो इतना? अदरवाइज अपने को जब यहाँ से प्राइस गिरेगा, अगर प्राइस अप जाता है तो एक डब्लू देखने को मिल सकता है। अपसाइड एग्रेसिव तभी होंगे जब 4100 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट होगा, तो अपना कहीं ना कहीं पहला टारगेट रहेगा 4150 का और सेकंड टारगेट रहेगा 4200 का इंट्राडे के लिए। क्लियर हुआ इतना? अब बताओ गाइस वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।